आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जिसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बाहर के समोसे और कचौरी को खाना भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में ले लिया है 3 उबले हुए आलू, जिसे मैंने छील लिया है। अब हम इसे पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी आलुओं को मैश कर लिया। उसमें डाल दूंगी 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच तेल, इसमें आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये डो को तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब इसे ढके हुए पूरा 15 मिनट हो चुका है। अब इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हम इसे नाश्ता बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है और एक भाग को लेकर के इसे हम इस तरह से बिल्कुल रोलिंग बोर्ड पर फैला देंगे और इसे एक शेप दे देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। एक बार आप मेरे बनाए हुए इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अब हम एक चाकू ले लेंगे और इसे बीच से कट कर देंगे और इसे साइड से भी कट कर देंगे और इसके ट्रायंगल शेप दे देंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। जब मैंने इसको तैयार कर लिया, इसी तरह से आप सभी को तैयार कर ले। इसी तरह से हम दूसरे को भी कट कर लेंगे और उसे एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे शेप दे दिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल को गर्म कर लिया है। उसमें मैं एक एक करके सभी स्नैक्स को डाल दूंगी जितने इस कढ़ाई में आ पाए, और तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही गर्म किया है। तो यहाँ पे एक साइड से फ्राई हो चुका है, इसे हम दूसरे साइड में पलट देंगे। तो इस नाश्ते को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। इसी तरह से हम इसे उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं मेरे अगले रेसिपी में।